समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्म दिवस पर आगामी 1 जुलाई से सपा उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। समाजवादी पार्टी एक विकल्प कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में पार्टी अभियान चलाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि पूरे देश की निगाहें विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव पर हैं। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव देश की राजनीति के केंद्र बिंदु के रूप में उभरेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव के बीच होगा। उन्होंने कहा कि इस समय देश की छवि काफी खराब हो गई है, जिसे अखिलेश यादव छवि को बनाने का काम करेंगे। और हमने चंपावत में चुनाव लड़ने की हमने कम से कम हिम्मत रखी, बाकी और दल वहाँ तो हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। इस वजह से ऐसा लगने लगा है कि प्रदेश में कांग्रेस समाप्त की तरफ जा रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में चली गई और पूरे देश में जा रही है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि 23 करोड़ आबादी वाले प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के एक सशक्त नेता हैं, उनकी तरफ देश के लोगों की निगाहें और एक मोदी का विकल्प माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनेंगे। हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, उस दिन से समाजवादी एक विकल्प की ओर इस पर हम गोष्ठियाँ रखेंगे। प्रदेश के हर जनपद में होंगी, इसी तरीके से पूरे देश में इस तरह की गोष्ठियाँ रखी जाएंगी। और अब कंपेरिजन माननीय मोदी जी का अखिलेश यादव से होगा 2024 के चुनाव में, और अखिलेश यादव राजनीति के केंद्र बिंदु बन करके जिस तरीके से देश की छवि बर्बाद कर दी गई है हिंदू मुस्लिम करके, अभी जिस तरीके से उनके बीजेपी के प्रवक्ताओं ने पूरे विश्व में वैश्विक बिरादरी में देश की हमारी इमेज डाउन हो, ये उस इमेज को रिस्टोर करने के लिए समाजवादी विचारधारा ही आगे आएगी।